सुप्रभात दोस्तों, जय माता नैना देवी, जय माता नैना देवी। दोस्तों आज हॉलिडे है मेरा, दिखाता हूँ आपको अपना घर, आपका घर, अपना सपनों का घर। ये हमारा बेडरूम है दोस्तों, ये सोफे हैं, ये एलसीडी लगी है और ये बेड लगा है। देखिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया। ये है हमारी माता जी, दिवंगत माता जी। दोस्तों 2006 में संसारिक यात्रा पूरी करके हमें छोड़ के इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। तस्वीर लगाई है हमने अपने बेडरूम में। सेकंड रूम में एंट्री लेते हैं दोस्तों। अंदर जाते ही पूजा घर दोस्तों, देखिए मेरा छोटा सा पूजा घर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैंने यही इतना स्थान चुना है पूजा घर के लिए। ऊपर पर छत्ती जो मैंने ढक दी है कपड़ों से खुद ही। ये पिताजी जिनका स्वर्गवास अभी हाल ही में अगस्त महीने में 2022 में हुआ है, इनकी आत्मा को भगवान शांति बख्शे, ये जहाँ भी हों सुखी रहें। ये पिताजी का ही बेडरूम था दोस्तों, यहाँ पिताजी आराम फरमाते थे। उनकी याद बहुत सताती है, उनकी याद बहुत आती है। ये दोस्तों एरिया क्या कहलाता है ये मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ये आप ही बताइएगा ये क्या है, मिस्टर लॉबी बोला जाता है या कुछ और, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये फ्रिज पड़ा है दोस्तों वर्लपूल का, और ये कुछ ऊपर कलाकारी की हुई है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए दोस्तों अंदर का विस्टर लोवी का नज़ारा। ये शू रैक है दोस्तों, और ये दो कुर्सियाँ पड़ी हैं गेस्टों के लिए, और ये सिलाई मशीन दो पैसे कमाने के लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। साईं बाबा जी का चित्र लगा है दोस्तों, जय साईं राम, जय साईं राम। और एक बेड लगाया हुआ है आराम फरमाने के लिए। लंच की तैयारी चल रही है, देखते हैं आज क्या बन रहे हैं, पूछते हैं भाई। आज बना रहे हैं राजमा चावल, खाइए आइए आनंद लीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये है किचन हमारा फ्रेंड, देखिए कुछ बर्तन पड़े हैं धोकर, जो टकाने हैं ऊपर, और छत्ती है दो तीन बनाई हुई। ये कुछ डिजाइन बनाए हैं पीओपी के। जोस फैन लगा है, आरओ भी लगा है। अच्छा हमको सिखा दिया है। चावल तैयार होते हुए दोस्तों इंतजार है हमें राजमा चावल का, पंजाबियों की फेवरेट डिश, और भूख भी लगी है दोस्तों। वाइफ बिजी है दोस्तों अपने सिस्टर से बात करने में, कहीं मुझे डर है राजमा चावल ही ना खराब हो जाए। हाँ ये कर लो पहले। सीटियों पे सीटी बज रही है, सीटी ते सीटी बजी, जब मैं चावल चढ़ता है सीटी ते सीटी बजी। सबसे जरूरी स्थान घर का बाथरूम। ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाथरूम का दरवाजा दोस्तों, और अंदर गीजर लगा रहा है बजाज कंपनी का, और ये फ्लश है दोस्तों, और ये नहाने वाली बाल्टी पड़ी है दोस्तों। ये छोटा सा है पर, लेकिन आप कमेंट करके बताना कैसा है। ये बढ़िया था गुरु। और ये छोटा हवादान छोटे बाथरूम के लिए। चलते हैं दोस्तों छत पर और देखते हैं कुछ ऊपर का नज़ारा। ऊपर मैंने रखा है पक्षियों के लिए पानी और दाना, देखते हैं दाना पानी पक्षियों का पड़ा है या खत्म हो गया है। अरे यार ये तो खत्म है। गुड बड़े बाबा। पक्षियों का पानी साफ बर्तन में भर के रख दिया है दोस्तों, और दाना भी डाल दिया है। ये है दोस्तों मेरी घर की छत, ऊपर निशान साफ झूलता हुआ, सामने पेड़ पौधे आपको दृश्य नजर आ रहा है। ये पूरा आंगन है दोस्तों, बरांडा भी बोलते हैं पंजाबी में। पर्यावरण के लिए मैं जागरूक बहुत हूँ। ये सुंदर सुंदर फूल हैं, थोड़े
मेरे से नाराज हैं आजकल, क्योंकि मैं इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा आजकल। इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि ये हरे भरे रहें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों आप भी पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। तो मेरे फ्रेंड पक्षी आ भी गए हैं, मैंने अभी ही दाना पानी रखा था और इनको पता लग गया और ये आ भी गए। देखो नज़ारा कुदरत का दोस्तों, इनको प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। सेवा पानी कर लेते हैं दोस्तों पौधों की और पुण्य कमा लेते हैं। आओ चलो दोस्तों कुछ सेवा पानी करें। फार्मा कंपनियां बहुत हैं फ्रेंड, मेरे घर के पास ही सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टॉरेंट और बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं दोस्त। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों, जिसमें बाहर से मुरादाबाद, यूपी और पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये फ्रेंड? मेरे घर की छत देखिए और मेरे घर का पास के दृश्यों का आनंद लीजिए। ये कॉलोनी है मेरी दोस्तों, ये कॉलोनी हिमाचली कॉलोनी बोली जाती है, जो बद्दी में बुड में स्थित है दोस्तों। देखिए और आनंद लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।